विभाजन की विभीषिका को याद करके सिहर उठते हैं। जिन लाखों युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने भारत की आज़ादी से एक दिन पहले अपने घर बार को छोड़ करके पाकिस्तान से भारत में विभिन्न स्थानों पर आए थे, जिस त्रासदी को झेला था, आज हम सब सिहर उठते हैं याद करके। ट्रेन की ट्रेन काट दी गई थी, खुलेआम कत्लेआम हुआ था, खून की नदियां बही थीं। इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है, हम अपने सभी नागरिकों के बीच में उस बात की चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विभाजन की क्या त्रासदी, क्या विभीषिका थी, और उन सभी जो हमारे भारत माता के सपूत थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इन सब के बीच में कन्नौज का एक मामला है, वो छाया हुआ है, नवाब सिंह जो है, नवाब सिंह देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी गठन काल से ही गुंडई अराजकता को बढ़ावा देती रही है। समाजवादी पार्टी जब जब पावर में आई है, इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं, चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे कन्नौज की घटना हो। बहु बेटियों की इज्जत आबरू से लूटने वालों को प्रमोट करने का काम, उनके आचरण को ढकने का काम समाजवादी पार्टी ने प्रारंभ से ही किया है। अयोध्या में उन्होंने कहा कि DNA टेस्ट करा लिया जाए, और यहाँ उनकी नेता कह रही कि नार्को टेस्ट कराया जाए। बहुत ही दुखद है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के इतिहास को आप थोड़ा पन्ने पलट करके देखिए। जब जब इनको ताकत मिली है, जब जब ये पावर में आए हैं, हमेशा बहु बेटियों की इज्जत आबरू को खतरे में डालने का काम इन्होंने किया है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की भरमार हुई है। प्लाट, मकान, दुकान पर कब्जे करने का काम समाजवादी पार्टी के संरक्षण में इनकी सरकारों के दौरान हुआ है। और हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, हम अपनी बहु बेटियों को 100% सुरक्षा देंगे। इन दोनों मामलों में हम कोर्ट के माध्यम से पैरवी करके बड़ी से बड़ी सजा दिलाएंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी कांपेंगी, इतनी बड़ी सजा दिलाएंगे, नजीर बनेगी। नवाज सिंह ने अकूत दौलत एक तरीके से अर्जित कर रखी, लगभग 300 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार से, अपराध से गहरा नाता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।